दिस सेक्शन इज फॉर वुमेन्स, दैट वन इज फॉर मेन्स, दैट्स फॉर फर्नीचर. सो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है सारा का सारा क्लोथिंग का है इन द बॉक्स. एंड वी ओपन दैट एंड दैट आल्सो गोस टू डायबिटीज कनाडा. ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग. दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन. सो आज हम आ गए हैं थ्रिफ्टिंग करने के लिए. थ्रिफ्टिंग जो है आपने सुना होगा काफी ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम पे. सो बेसिकली है क्या, यहाँ पर काफी सारी जो चीजें यहाँ पर पुरानी भी नई भी हर तरीके की चीजें यहाँ पर डोनेशन के थ्रू आती हैं और ये लोग उनको रिफिनिश करके जो है सेल करते हैं. काफी लोग अब स्टूडेंट्स वगैरह या जो साइड हसल्स वगैरह करते हैं लोग, वो क्या करते हैं यहाँ से कुछ एंटीक चीजें वगैरह खरीद के उनको थोड़ा DIY करके फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह से वीडियोस वगैरह देख के उसको फिनिश करके प्रोडक्ट को काफी अच्छे अच्छे प्राइसेस पे उसको सेल करते हैं. सो अंदर चल के देखते हैं ऐसा कौन सा सामान है जो यहाँ पर जो है पब्लिक को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है. काफी सारी पार्किंग आप देख सकते हैं, फुल हो रखी है यहाँ पे पार्किंग और काफी अंदर भीड़ है. चल के अंदर देखते हैं कि क्या क्या सामान यहाँ पर डोनेशन के थ्रू आता है और मिलता है. सो लेट्स गो इनसाइड एंड स्टार्ट दिस. इवन व्हेन यू फील लो यू कैन स्टिल गो, इवन व्हेन यू फील स्लो यू कैन स्टिल गो, इवन व्हेन देयर इज नो होप यू कैन स्टिल गो, आई नेवर आंसर टू नो मैन आई स्टिल गो. जहाँ से हम एंटर करने लगे हैं स्टोर के फ्रंट से, सो ये है फ्रंट का डोर और उसके बाद इस टाइप से जो है पूरे के पूरे स्टोर की फ्रंट की लुक है. इस टाइप से इतना बड़ा स्टोर है ये. सो इसके अंदर आपको हर तरीके से सामान मिल जाएगा, लाइक एक्सेसरीज, कपड़े और सब के सब हाउस होल्ड सामान. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, उसके बाद फर्नीचर मिल जाएगा. सो काफ़ी सारी आइटम्स हैं. सो चल के देखते हैं, फ्रंट से ही स्टार्ट करेंगे. ये जो यहाँ पर है एरिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो ये फ्रंट का जो है काउंटर रहता है जिसके अंदर बेसिकली इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम सामान रखा रहता है, लाइक जैसे कैमरे हो गए, कुछ बैग्स हो गए, वॉचेस हो गई, ज्वेलरी हो गई, इस टाइप से काफ़ी लाइक स्टर्लिंग सिल्वर की ज्वेलरी थी. उसके बाद गैस के, कोच वगैरह के कुछ बैग्स थे. बट ये जो सारा का सारा सामान है वो मोस्टली जो है सेकेंड हैंड सामान है, ओल्ड है, जो लोगों ने डोनेट किया है. सो वो सब सामान है बट ये थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी है. सो दैट्स वाई दे केप्ट इट ओवर हेयर, सो मिक्सअप ना हो जाए किसी भी दूसरे सामान के साथ में. बाकी स्टोर के अंदर आपको ये बड़े बड़े ऊपर रेड कलर के जो है पोस्टर से दिख जाएंगे, जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस आइल के अंदर एग्जैक्ट जाना है, जहाँ पर आपको हाउस होल्ड का सामान, डेकोरेशन का सामान सब टाइप से मिल जाएगा. सो लेट्स गो चेक इट आउट. सो प्राइस चेक करते हैं सबसे पहले. जैसे आप ये डेकोरेशन का पीस देख रहे हैं, सो घर के अंदर रखने का, बेसिकली इसका प्राइस है 699. अब मुझे नहीं पता बाहर इन चीज़ों के प्राइजेस क्या हैं, बट आई कैन जस्ट गेस कि कुछ ना कुछ महंगे ही होंगे इससे, अगर यहाँ पर ये $6 या $7 का मिल रहा है. सो इट कैन बी ईजिली अराउंड लाइक $20-$30. सो दीज थिंग्स. सो ये डेकोरेटिव आइटम है. काफ़ी लोग जो हैं इनको यहाँ से ले जाकर DIY वगैरह के प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करते हैं. सो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये जो है काफ़ी इससे पैसा बनाते हैं. इन चीज़ों को काफ़ी जो सही तरीके से जो है प्लेसिंग करनी, इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह करनी, काफ़ी लोग जब घरों की स्टेजिंग वगैरह करते हैं या घरों को थोड़ा और एनहांस करने के लिए उनको, सो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं. उसके बाद ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो वॉचेस का, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह का मिल जाएगा यहाँ पे. फ़ोटो फ्रेम से लेके कुछ सीनरीज हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सो यू हैव टू हैव अ नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स टू हैव एंड बाय देम. चलो चल के देखते हैं कुछ जो ये वॉल वॉचेस हैं उनको चेक करते हैं कि ये एंटीक वॉचेस जो हैं कुछ क्लोजली इनका लुक लेते हैं, देखते हैं कि कैसी लग रही हैं. सो इस टाइप से जो हैं ये एंटीक वॉचेस रहती हैं. आजकल कुछ ऐसी नहीं चलती हैं बट स्टिल ये जो हैं डोनेट की हुई पुराने घरों वगैरह से जो लोग अपनी मतलब रख देते हैं इनको, डोनेट कर देते हैं, सो वो जो है यहाँ पे सेल होती हैं. इनको पहले टेस्ट करके, चेक करके ही ये लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं. बट आप फिर भी जो है अपना मेक श्योर कर सकते हैं. यहाँ पर हर चीज़ के जो हैं पावर कोड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, कनेक्शंस मिल जाएंगे, जहाँ पर जो है आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कुछ भी तरीके का सामान जो है पहले टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको परचेज करना रहता है. सो यू कैन ट्राई इट फर्स्ट बिफोर यू कैन बाय इट, बिकॉज यहाँ पर जो है आई गेस रिटर्न पॉलिसी वगैरह नहीं है. यू हैव टू बाय इट ओनली वंस. देर इज नो रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी हेयर, सो मेक श्योर दैट यू आर बाइंग द राइट थिंग राइट प्राइस. उसके बाद चलते हैं पेंटिंग्स वगैरह का प्राइस वगैरह कुछ चेक करते हैं. सो ये पेंटिंग्स हैं 599 की, 499, 699, इस टाइप से जो है ये पेंटिंग्स वगैरह के प्राइजेस हैं. इस टाइप की हैंड डेकोरेटिव और हैंड क्राफ्टेड पेंटिंग्स वगैरह जो हैं आपको कनाडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर सकती हैं, लाइक इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम $80-$90 टू $300-$400 दीज पेंटिंग. बट यहाँ पर जो है ओल्ड होने की वजह से कुछ फ्रेम्स वगैरह में भी यहाँ पर वियर एंड टीयर रहता है, कुछ स्क्रैचेस वगैरह मिल जाएंगे आपको. सो अगर आप DIY करना जानते हैं, इनको फिक्स करना जानते हैं, यू कैन बाय फ्रॉम हेयर फॉर दीज चीप प्राइजेस, $5-$7. नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ फ्लावर बास्केट्स की तरफ, जो कि इस टाइप से आपको एम्प्टी बास्केट्स मिल जाएंगे. इनके प्राइस काफ़ी चीप हैं, सो एनीवेयर $3-$4 के आसपास इसके प्राइस हैं. सो इसके अंदर आप डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स वगैरह भी रख सकते हैं, प्लस आप और भी अगर फ्रूट्स वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इनको कुछ फेक फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं डेकोरेशन के लिए, सो उसके लिए भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं.
सो इस साइड जो ये सेक्शन है ये पूरा का पूरा टॉयज़ का सेक्शन है। बच्चों के टॉयज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और आपको भी पता है कि बच्चे बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, सो उसके लिए जो है काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को डोनेट कर देते हैं। कई बार तो जो है ये पज़ल्स वगैरह की चीज़ें पैक्ड होती हैं, लोग ले जाते हैं बट यूज़ नहीं करते, तो दे डोनेट ओवर हेयर। सो डोनेशन के बाद ये चीज़ें जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिलती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 699 का है, बट मे बी इसका एक्चुअल प्राइस ओवर $20 होने वाला है। और उसके बाद मतलब काफ़ी सारी गेम्स हैं, काफ़ी सारी अलग अलग जो हैं एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं बच्चों की जो यहाँ सारी मिलती हैं। उसके बाद पूरा का पूरा जो है बुक स्टोर का सेक्शन है, यहाँ पर हर तरीके की बुक्स हैं। अब आप बाय फोर बुक्स के बाद में फिफ्थ बुक जो है फ्री है, और बुक्स का जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी जो हैं आप अगर आप देखेंगे कंपेरेटिवली बाहर के प्राइजेस के काफ़ी मतलब 599, 499, 399 इस टाइप के प्राइस हैं। हर चीज़ का प्राइस इसी टाइप की है, प्लस उसके बाद कुछ मैगजीन्स का एरिया है, कुछ पुरानी DVDs कैसेट्स वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पर। सो काफ़ी जो हैं चीज़ें हैं जो लोग थ्रिफ्टिंग करते हैं या कुछ पुरानी यूनिक कुछ एंटीक आइटम्स लेते हैं उनको जो है यहाँ पर बेस्ट चीज़ें मिलने वाली। लाइक यू कैन सी हियर वीडियो गेम्स, DVDs, चिल्ड्रंस DVDs और उसके बाद ये जितनी मैगजीन्स वगैरह नीचे पड़ी हैं, सो ये सब जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आ गया हूँ बेड एंड बाथ के सेक्शन के अंदर, जहाँ पर आपको टॉवल्स और बेड रिलेटेड सामान लाइक कुशंस कवर और सोफ़ा कवर्स और हर टाइप की जो है इस टाइप की आइटम्स मिल जाएंगी, जो कि आपके ओवंस वगैरह में यूज़ होने वाले ग्लव्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, कुछ डाइनिंग टेबल के ऊपर जो सेट्स वगैरह ये चीज़ें रखते हैं वो मिल जाएंगे, टेबल कवर्स मिल जाएंगे और काफ़ी सारी जो बेड रिलेटेड आइटम्स हैं लाइक कर्टन्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं आपको इस सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। सब चीज़ों का प्राइस जो है वो 599, 899, 699, 399 इस टाइप से जो हैं ये प्राइजेज़ हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है कुशंस का, हर टाइप के कुशंस हैं। कुशंस जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं कैनेडा के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर जो कुशंस मिल रहे हैं वो 449, 549, 540, 559 इस टाइप से जो हैं आपको कुशंस मिल जाएंगे, बट एक्चुअली ये कुशंस के प्राइजेज कहीं ना कहीं $20 से $25 के आसपास हैं। सो इस टाइप के कुछ टेडी कुशंस जो होते हैं वो मिल जाएंगे आपको, एज यू कैन सी बिग सेक्शन ओवर हियर। इसके बाद चलते हैं यहाँ के सबसे बड़े सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो सबसे ह्यूज क्वांटिटी में आपको सामान मिलेगा वो मिलेंगे आपको गारमेंट्स का सामान। गारमेंट्स के सामान में जीन्स, टी शर्ट, पैंट सब की लाइक बच्चों से लेके बड़ों तक की, एडल्ट्स की हर टाइप, वुमेन्स मेन सब मिल जाएगा। आई कैन शो यू ओवर हियर हाउ बिग इज़ दिस सेक्शन इज, सो एज यू कैन सी दोज बिग रेड बोर्ड्स ओवर देयर। सो दिस सेक्शन इज़ फॉर वुमेन्स, दैट वन इज़ फॉर मेन्स, दैट्स फॉर फर्नीचर। सो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है सारा का सारा क्लोथिंग का है, जिसके अंदर किड्स की क्लोथिंग से लेके वुमेन्स और मेन्स की सबकी क्लोथिंग आपको मिल जाएंगी। आई शो यू द वेराइटी अ लिटिल बिट। जीन्स की पैंट्स हैं ये, जो कि 799 की हैं, 499 की हैं, 599 की हैं, उस हिसाब से काफ़ी सारी मतलब वैरायटी है यहाँ पर जो कि आपको मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वुमेंस की क्लोथिंग का है, वुमेंस की पैंट्स का है, सो हर टाइप से जो है साइजेस लिखे रहते हैं यहाँ पे, साइजेस भी आपको हर चीज़ के इसके ऊपर मेंशन मिल जाएंगे, सो आप साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अलग से ट्रायल रूम भी रहता है, सो यू कैन ट्राई दीज क्लोथ्स, सो या यू कैन बाय फ्रॉम हेयर फॉर अ वेरी वेरी चीप प्राइजेस। Thank you.
सो गाइज अब जो है मैं जा रहा हूँ इनके डोनेशन सेंटर के एरिया में. डोनेशन सेंटर भी बिल्कुल पास में ही है, जस्ट डोर डिफरेंट होता है इसका. सो डोनेशन सेंटर में जाते हैं, प्रोसेस बताते हैं. अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं, कोई एक्स्ट्रा जो है टॉयज हैं या और भी कुछ चीजें हैं आपको डोनेट यहाँ पर करनी है, यू कैन ब्रिंग इन योर कार एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन डोनेट ओवर हियर. लेट्स गो टुगेदर. So guys, let's go inside and donate the stuff. So there's a guy up the front. And I got a coupon here for it. Yeah. This coupon is from Diabetes Canada. It's our little sponsor. It just says a thank you for donating. And on the bottom right, there's an online survey right there. Fill that survey out, you get $2 off your next $5 purchase. And you guys open all the time, like this store? Pretty much every day, 8 to 9 is our opening hours. Okay. And then the store hours are 10 to 9. Okay. So pretty much every day of the week. So donation center opens 1 hour extra than the store hours, right? Yeah. Okay. You guys open at 8 o'clock in the morning? 8 o'clock, yeah. 8 o'clock. And time. This box over here, this is the every time donation box. So if somebody have anything, they can just right in there, yeah. Right in the box. And we open that, and that also goes to Diabetes Canada. Okay. So you guys are basically donate the stuff that you make money out of it. You guys donate towards the charity, diabetes charity. Exactly. Right? And we have carts inside. I can show you. Okay. These carts right here, they get put onto that scale there. Got it. And then that would be weighed. And say that weighs 1,000 pounds. Got it. That would then be $1,000 towards Diabetes Canada. Oh, so amount of weight you get, that's exactly. The same amount that goes towards the charity. So the more it weighs and the more we get, the more money Diabetes Canada gets. That's pretty good. That's pretty cool. See you, man. See you. Thank you so much for explaining all that. You have a great day. Thank you too. सो गाइज जैसा आपने देखा मैंने जो अभी यहाँ पर एक टॉय को जो है डोनेट किया. सो टॉय डोनेट करने के बाद उन्होंने मुझे ये वाउचर दिया, ये कूपन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेव 20% ऑफ ऑन द परचेज ऑफ अप टू $50. सो अगर आप कुछ भी चीज $50 या $50 से कम करते हैं सो आपको उस टोटल प्राइस के ऊपर जो है $20 का ऑफ मिलेगा बेसिकली. सो 20% ऑफ के साथ आप इनका सर्वे भी फिल आउट कर सकते हैं विद इन 7 days के अंदर जब आप डोनेट करते हैं. देन यू एंटर दिस कोड 2156 विच एवर कोड दैट यू गेट. सो यू गेट अनदर एक्स्ट्रा $2 ऑफ ऑन इट. बेसिकली अब ये डोनेशन सेंटर जो है डायबिटीज कैनेडा को डोनेट करता है, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए डोनेट करता है. और इसकी बेस्ट चीज ये है कि जो स्टोर आवर्स हैं वो तो 8 टू 9 है ही है, बट अदरवाइज इनके डोनेशन बॉक्सेस भी पड़े रहते हैं. सो इफ यू आर कमिंग इन लेट आवर्स और अर्ली मॉर्निंग्स दैट यू डोंट सी द स्टोर इज ओपन, सो यू कैन जस्ट थ्रो योर लाइक डोनेशन स्टफ इन द बॉक्स. दे गोना टेक इट वंस दे गोना ओपन द स्टोर. सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर देम टू ओपन द स्टोर टू डोनेट एनीथिंग. और इनका जो डोनेशन का प्रोसेस है दैट गोज टूवर्ड्स द वेट. आई डिडंट नो दैट इवन बिफोर आई केम टू मेक दिस वीडियो. आई डिडंट नो दैट दिस इज द प्रोसेस. सो बेसिकली आप जो भी चीजें डोनेट करते हैं, लेट्स से अगर आपने कुछ डोनेट किया एंड दैट बैग द टोटल थिंग्स इफ हैज अ क्लोथ्स टॉयज और वट एवर इट हैज, सो इट गोज ऑन द वेइंग मशीन. सो वेट होता है उसका, जितना भी टोटल अमाउंट वेट रहता है. अगर आपने लेट्स से 5 kgs जो है डोनेट किया, सो $5 जो है टूवर्ड्स चैरिटी में जाएंगे डोनेशन करने के लिए. सो टोटल अमाउंट ऑफ वेट दैट गोज टूवर्ड्स द चैरिटी एंड रेस्ट दे टेक केयर ऑफ देयर स्टोर्स, दे मेक देयर एम्प्लॉयज टू पे गेट पेड. सो सारा का सारा प्रोसेस जो इस तरीके से काम करता है. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी शॉर्टली. थैंक यू.